नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के उग्र प्रदर्शन की आग राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। राजधानी नदवा कॉलेज में सोमवार को सुबह छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस पर छात्रों ने पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को कॉलेज के अंदर कर गेट पर ताला जड़ दिया। मौके पर एसपी ट्रांस गोमती छात्रों से शांत रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन छात्र अंदर से पत्थर फेंक रहे हैं। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। कॉलेज के प्रोफेसर भी छात्रों को समझाने में लगे हैं। जामिया एएमयू में लाठी चार्ज के विरोध में कल रात भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से शांत और सौहार्द की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि सभी के द्वारा कानून का पालन किया जाए। राज्य में कायम अमन चैन के माहौल को प्रभावित करने की किसी को अनुमति नहीं है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए यूपी के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई शहरों में धारा 144 भी लागू की गई है। इस दौरान भड़काऊ मैसेज को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। उधर डीजीपी ओपी सिंह ने छात्रों के पथराव पर कहा कि कैंपस में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू होनी चाहिए। छात्रों के हिंसात्मक होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। प्रशासन की ओर से लखनऊ के डीएम ने भी छात्रों को सख्त चेतावनी दी है। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ का नदवा कॉलेज लखनऊ का सबसे बड़ा मदरसा है। घटना को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है।